अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़। मैं मोहम्मद मालिक। बातें तो बहुत है करने वाली। कहीं हलीमा ख़ान साहिबा की जायदाद का इशू बन रहा है, जिसको पॉलिटिकल इशू बन रहा है। कहीं पे जरदारी साहब की जायदादें हैं, फिर इशू बन रहा है कि इसको ACL पे होना चाहिए नहीं। लेकिन साथ ही एक इशू चल रहा है, और उस पर जो चला तो इस बात से था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात से, और वो था मोमन डैम प्रोजेक्ट अवार्ड। 309 अरब रुपये का जो प्रोजेक्ट था, 800 मेगावाट बिजली भी जो जहाँ प्रोड्यूस होगी। ये जब डेस्कॉन इसका बेनिफिशरी निकला तो बहुत से सवालात उठे कि जो एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर हैं और उनका वफाकी वजीर के प्रिवलेज सब कुछ हैं, रजाक दाऊद साहब, कि जी कोई अनफेयर प्रैक्टिस हुई। शुरू हम हुए थे इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से, लेकिन जो जो इस पर हमने और चीज़ें जैसे जैसे देखी गई तो बहुत सी और इरेगुलरिटीज सामने आ रही। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस कंसोर्शियम ने इनिशियल टेंडर डिज़ाइन बनाया, उसको इन वायलेशन ऑफ रूल्स ये कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सटेंड कर दिया गया वेबडा से कि वो ये इवेल्यूएट करे बिड्स को। क्यों, क्या उसका नुकसान है, उस पर आज हम बात करेंगे। हमें बताया गया रजाक दाऊदा साहब का कि जी उन्होंने चेयरमैनशिप से डेस्कॉन इंजीनियरिंग से इस्तीफ़ा दे दिया, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जब SEC से हमने रिकॉर्ड्स निकाले तो एज ऑफ टुडे जो डेस्कॉन इंजीनियरिंग के शेयर्स हैं, ये कंपनी है डेल प्रोजेक्ट्स, ये मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है डेस्कॉन इंजीनियरिंग की, और डेल प्रोजेक्ट्स के SEC के मुताबिक मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग रजाक दाऊद साहब की है। सो इन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो अभी तक इस कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं, और ये जो तासुर है गलत है। फिर बहुत हमें सुनाया गया कि जी नेस्पाक इन्वॉल्व है, फेडरल गवर्नमेंट ओन बॉडी है, तो इसका जो सा कंसोर्शियम है और ये एक स्मैक है, ऑस्ट्रेलियन कंपनी, ज़बरदस्त कंपनी है नेस्पाक, तो आपको पता है फेडरल गवर्नमेंट की है, साथ इसके एस कंसल्टेंट्स हैं, तो ये मिल के इन सब ने ये प्रोजेक्ट जो सा है इसको इवेल्यूएट किया है। उस पर भी हमने काफ़ी काम किया, तो पता ये लगा कि ये जो एस कंसल्टेंट्स हैं, ये बड़े इंसेस्टुअस रिलेशनशिप है नेस्पाक के फॉर्मर एम्प्लॉयज़ की और ये तमाम कंसल्टेंसी नेटवर्क की। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि ये बात हो कि सेकंड जो फेज़ है इस कॉन्ट्रैक्ट की, जिसमें कंसल्टेंट्स ने कॉन्ट्रैक्ट को बाद में ओवरसी करना है, डिज़ाइन को ओवरव्यू करना है और तमाम चीज़ों पे नज़र रखनी है, ये वही कंसल्टेंट्स हैं जिन्होंने शुरू में डिज़ाइन बनाया, और ताकि अगर आप कोई नुक्स होगा तो वो कॉन्ट्रैक्टर पॉइंट आउट करेगा, और फिर आपसे बात करेंगे कि क्यों इसमें कॉस्ट कौन सी है। मैं आपकी तारीख में, मैं आपको आज गारंटी करता हूं, ये 309 अरब का प्रोजेक्ट नहीं है। इसमें कम से कम 25-30% कॉस्ट ऐड होंगी ओवर द कमिंग मंथ्स, और ये हम आपको आज बताएंगे कैसे हैं। प्लीज़ मार्क दिस डेट। उस पर जब आपको हम अभी नेटवर्क एक पूरा बताएंगे तो आपको पता लगेगा कैसे जो हमें बताया जाता है कंसल्टेंसीज हैं जी, बड़े ये रिस्पेक्टेड लोग हैं, ये सारे फॉर्मर एम्प्लॉयज़ का एक नेटवर्क है। जो एस कंसल्टेंसी है, ये भी एक फॉर्मर MD नेस्पाक थे, आगा साहब, ये उनकी कंपनी है। जो बर्कले, जो करंट MD हैं ताहिर मसूद साहब, इनकी कंपनी है बर्कले एसोसिएट्स। बर्कले एसोसिएट्स वाइल ही वॉज MD नेस्पाक, ये बहुत नेस्पाक के प्रोजेक्ट पे भी काम करते रही, और ये ऑरेंज ट्रेन प्रोजेक्ट सारा, इस पे भी ये काम कर रहे हैं। आज भी ये डायरेक्टर हैं बर्कले एसोसिएट्स के। बर्कले एसोसिएट्स हबीब रफीक के साथ बहुत काम किए हैं, और उसने कतर में भी उनके साथ जॉइंट अभी वेंचर किया, अखबारात में भी आया, और अब ये कहा जा रहा है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड होंगे तो हम सारे देखेंगे कि बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स का हिस्सा शायद हबीब रफीक को भी मिलेगा। ये भी हम इस पर नज़र रखेंगे, इसलिए कि जो सी आप कंसोर्शियम ओवरसी कर रहा है स्मैकलेट, जिसमें नेस्पाक भी है, उसके MD हबीब रफीक में मुलाजमत करते रहे हैं, और उनके जनरल मैनेजर शायद थे कि क्या थे। अब ये जब आप देखेंगे फॉर्मर एम्प्लॉयज़ MDs लगे हुए हैं, और ये MD भी लगे हुए हैं एक मिस इंटरप्रटेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर के। इनका झगड़ा था एक पुराने MD से, अमजद खान से, उनको हटाया गया, उनका झगड़ा हो गया बिकॉज उन्होंने बेवकूफ़ी की, उन्होंने आह चीमा के ऊपर बात कर दी उस वक्त चीफ मिनिस्टर से, और तो उनके ज़ेर एताब आ गए, तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से उनको हटाया गया, वो हाई कोर्ट में गए, तो इन्होंने ये एक प्ली ली, रिट की कि मैंने भी एक बार MD के लिए अप्लाई किया था, खैर वो लहदा केस, आई डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट टू मच, और अभी हम गेस्ट भी मेरे साथ बहुत हैं जब बात करेंगे। हमने 3-4 चीज़ें आपसे शेयर करनी है, क्या यह नेटवर्क है सो कॉल्ड कंसल्टेंसीज का, जो हमें बताया जाता है वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंसीज हैं, वो कहाँ कहाँ पे वो ब्लैक लिस्टेड थी जब उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उस पर भी बात होगी। ये कंसल्टेंसीज के मालकान कौन हैं, इनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या हैं, सिटिंग MD नेस्पाक,
इनकी अपनी कंसल्टेंसी चल रही है। जो कंसल्टेंसी बीच में है, जो सबसे ज़्यादा आगे बढ़ी हुई है, एस, उसका जो एमडी है वो भी फॉर्मर एमडी नेस्पाक है। ये सारी चीज़ें एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिक पावर का हाल ही में इन्होंने टैरिफ्स लोअर किए हैं, आपके लिए मेरी बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन वन ऑफ द हाईएस्ट थेफ्ट रेट्स और लाइन लॉसेज हैं दुनिया में। उसको कम करने के बजाय इन्होंने सब्सिडीज़ बढ़ा दी हैं, लेकिन सब्सिडीज़ का बोझ किसी की जेब पे नहीं है, वो आपकी मेरी जेब पे है। वो तकरीबन 250 अरब से भी ज़्यादा का बोझ है जो हम दे रहे हैं। उस पर बात करेंगे कि हमें क्यों हो क्या रहा है। थोड़े से टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, हैव पेशेंस। अरशद शरीफ मेरे साथ हैं, थैंक यू वेरी मच। खालिद मुस्तफ़ा सीनियर जर्नलिस्ट और ये फाइनेंस और एनर्जी पर लिखते हैं। हमें ताहिर बिशारत चीमा साहब ने ज्वाइन किया है, फॉर्मर MD पेप्को, और हम कोशिश करेंगे कि चेयरमैन वैबडा से ही बात कर लें। मैं अरशद, आई स्टार्ट विद यू वेरी क्विकली, आपने भी इस पे काम किया हुआ, ये डेस्कॉन से लेट्स स्टार्ट विद दैट, ये जो शेयर्स ये डेल प्रोजेक्ट्स के पास हैं उसकी मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग इन्हीं की है। आपने जो बात बताई है कि जी जो SECP से चीज़ें निकली हैं कि शेयर होल्डिंग, मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग अभी भी रज़ाक दाऊद साहब के पास है, जो हमें कहानी बताई गई थी कि जी वज़ीर आज़म को इन्होंने ब्रीफ कर दिया, अपने सारे जो भी बिजनेस हैं उसके हवाले से बता दिया गया है, लेकिन जो अब चीज़ें सामने आ रही है कि अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग इनके पास हैं तो फिर इसकी बेनिफिशियल ओनरशिप जो है, इसका मतलब है वो रज़ाक दाऊद साहब की है, और वो इस वक्त बैठ के हुकूमती पॉलिसीज़ बना रहे हैं और ये सारा बेनिफिट डायरेक्टली उनके ग्रुप को जा रहा है। ये टोटल कॉन्ट्रडिक्शन है उस चीज़ की जिसकी आगही वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने इस कौम को पिछले कई साल से दी, और ख़ास तौर से 2011 के बाद से दी है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आपने कई दफ़ा ये वाला वर्ड सुना होगा। अब होता क्या है कि जो आपने मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग की बात की, आप सिर्फ एक कंपनी और उठा लें इनकी, डेस्कॉन ऑक्सी केमिकल, लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, अगस्त 18 से लेके अब तक आप उसकी जब शेयर प्राइस देखते हैं, जब इनकी नॉमिनेशन हुई, इट उसकी जो शेयर प्राइस है इट गोज़ थ्रू द रूफ, 119% उसमें इजाफा होता है। आज की अगर शेयर प्राइस, वो 18 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, आप जनवरी 1, 2018 से लेके अभी तक निकालें तो शुरू में ये 18 रुपए से शुरू हुआ, जब अगस्त में आया तो अप टू 39 रुपीज भी इसने हिट किया, अभी दोबारा वापस आया 30 पे। 6 महीने में इसकी ग्रोथ जो है 68% है और एक साल में 90% है, एट अ टाइम इन द स्टॉक मार्केट इज गोइंग डाउन। एक चीज बताएं कि अभी तक इन्होंने इस बात को जहमत गवारा नहीं की। मेरे प्रोड्यूसर साहब ने आज भी बात की उनसे, हर फ्राइडे को हम उनसे बात करते हैं, मेरा इसमें कोई तीसरा प्रोग्राम है, वो कहते हैं मंडे को मेरे से बात करें फिर हम मंडे को भी प्रोग्राम बनाएंगे। आज ही वही कहा, आप पीर को मुझे फ़ोन करें फिर हम बताएंगे क्या करना है कैसे करना है। उन्हें पता है ना, अभी तक उन्होंने जहमत भी क्यों नहीं की कि अपना वर्जन आके एक्सप्लेन करें। कभी वो फैसल वाबडा उनकी सफाइयाँ दे रहे होते हैं, कभी फवाद चौधरी दे रहे होते हैं। What is he above everything? Is it beneath him कि वो अपनी सफाई दें? मेरे ख्याल से GIT ने एक जो फेक अकाउंट था उसमें एक सिस्टम आइडेंटिफाई किया था जिसको उन्हें जरदारी सिस्टम कहा था। ये सिर्फ इस मुल्क में जरदारी सिस्टम नहीं है, जगह जगह ये सिस्टम्स ऑपरेट कर रहे होते हैं, जिन लोगों का आपने जिक्र किया कि जी एक नेटवर्क चला रहे हैं, और वो नेटवर्क आपने आगे चल के यकीनन बताना भी है, वो नेटवर्क जो हैं हर जमात में मिलते हैं कि जो कि अपना अपना एक निज़ाम और सिस्टम चला रहे होते हैं, कि एक तरफ आप बैठ के पॉलिसी मेकिंग भी कर रहे हैं और उसकी जो मेजॉरिटी बेनिफिट जो हैं वो आप ही की कंपनीज को उन फैसलों के वजह से फ़ायदे जा रहे हो। यहाँ पे जो क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई होता है कि जब आप डिसीजन मेकिंग में बैठ के और आपकी अपनी कंपनीज आ रही हैं तो उसमें ऑप्शंस आपके पास बड़ी लिमिटेड तो हो जाती है, या आप और आपकी फैमिली जो है उससे रिजाइन कर दें, हमारे शेयर होल्डिंग से रिजाइन कर दें, या फिर आप हुकूमत में बैठे रहें। इससे ज़्यादा क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपको नजर नहीं आ सकता। सामने खबर है खालिद, ये है December 10, 2009 की नेशन अखबार में सिकंदर शाहीन की खबर है। उसमें लिखा कि जी दो मेगा प्रोजेक्ट्स, मंजा लाए गैस फील्ड और गुरगुरी गैस प्लांट प्रोजेक्ट, ये एलिजली अवार्ड हुए प्रेसॉन डेस्कॉन इंटरनेशनल को 2007 और 2004 में। इनकी भी कीमत 200 मिलियन थी। अब जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, उन्होंने कहा जी वहाँ पर और भी आए जो प्रोजेक्ट में लोग आए, ऑल अदर कंपनीज वर एलिजली साइंड लाइन ऑन टेक्निकल ग्राउंड इन अ हाईली मैनिपुलेटिव मैनर, while the only company that was deemed suitable for the award of this contract was Presson Descon International। वही पैटर्न हमें यहाँ भी नजर आ रहा है। अगर उनका अलेजडली यहाँ भी यही अलेज किया जा रहा है कि जी अचानक ये कंपनी भी टेक्निकली साइडलाइन हुई और फिर उस पर आगे चला बढ़ा दिया, वल्ला आलम, ना ऐसी क्लैरिफिकेशन आई ना। मोहम्मद डैम में भी ऐसा ही हुआ है मालिक साहब के, वन स्टेज जो होती है, सिंगल स्टेज टू एनवेलप बेड थी, ये भी
ये वही बिड है जिसके तहत एंग्रो टर्मिनल भी उसका भी जो है एंग्रो को दिया गया और दूसरा जो था पीजेपीएल वालों को दूसरा टर्मिनल दिया गया था, सेम वही मैकेनिज्म है। तो इस मैकेनिज्म के तहत जो है ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है बेसिकली, ये डैम का और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दोनों हैं, तो ये बड़ा प्रोजेक्ट है। ये $1 बिलियन से अब $3 बिलियन के भी ऊपर चला गया है ये प्रोजेक्ट। अब बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए आप ये वाला बेड मैकेनिज्म आप अडॉप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, और ये मैनिपुलेटिव जो है ना ये मैकेनिज्म। अच्छा, इसमें हम आ जाएंगे इस पे, बेकरता मैं चाह रहा हूँ पहले दो बातें, आपने बड़ी लंबी स्टोरी भी की है इस पे जी, ठीक है ना, दो जरा उसमें पॉइंट्स आ जाए। हमें ये तासुर ये किया है कि स्मैक और एस जॉनसन है ये बड़ी टॉप ऑफ द लाइन कंपनी, और स्मैक अच्छी कंपनी रही है, उसको अब सिंगापुर वाली कंपनी ने खरीद लिया, ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी बड़ी। लेकिन आपने अपनी स्टोरी में लिखा है कि जब स्मैक को कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट दूसरा स्टेज भी दे दिया गया कि आप ही रिव्यू करें, आप ही सारा ओवरसाइट करें, उस वक्त वो सस्पेंडेड थी, ब्लैकलिस्टेड थी, बिल्कुल उस वक्त ये हुआ है। ये इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट में जो एक्सटेंशन दी गई है ये जून 2018 या जुलाई 2018 में दी गई है, और उस वक्त डी बार जो था वर्ल्ड बैंक का वो एनफोर्स्ड था, क्योंकि वो हटना था सितंबर 2018 में। तो जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने रिन्यू किया है विद द चेंज इन द स्कोप ऑफ वर्क, वो वायलेशन भी हुई है और एक्सटेंशन भी हुई है, ये दोनों जो चीजें हैं। लेकिन ये तो उस वक्त हुई है जब अभी भी वर्ल्ड बैंक से फंडेड प्रोजेक्ट ही है, तो अगर उनको कोई एतराज होता वो कहते थे वर्ल्ड बैंक वाले, उनको कैसे, उनको कोई एतराज नहीं होगा तो उन्होंने आने दिया। कौन सा वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट, उसके पैसे नहीं आ रहे बीच में, किस में, मोमेंट के अंदर भी, तो वर्ल्ड बैंक के अंदर एक पैसा भी नहीं है, नहीं अभी तक एक पैसा नहीं, अभी तक फाइनेंशियल क्लोजर नहीं हुआ, और ना ही पता है कि किस किस सोर्स से पैसे आने हैं। ये जरूर है कि पीएसडीपी से हर साल 17 बिलियन आएंगे, और बकिया जो है वो इक्विटी होगी वापडा की, और इसके अलावा कमर्शियल लोन्स लेगा। अब ये नहीं पता कि डोनर एजेंसीज में से कौन कौन जो है वो अपना शेयर डालेंगी फाइनेंसिंग में, अभी तक ये जो है ना पता नहीं चला। अगर होता तो डेफिनेटली ये ब्लैकलिस्टेड थी स्मैक, तो इस पे उन्होंने इतराज कर देना। स्मैक तो स्मैक और ये एस, ये तो साफ पानी केसेस में भी इनके प्रॉब्लम हुए हैं, बिल्कुल साफ पानी केसेस, बिल्कुल ये स्टिग्मेटाइज्ड हैं, ऑलरेडी ये स्टिग्मेटाइज्ड हैं। तो सवाल ये पैदा होता है मालिक साहब जो आपने शुरू में उठाया है कि ये हमारे यहाँ ये बताया जाता है कि ये वर्ल्ड क्लास जो है कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, लेकिन अगर आप इनको ज़्यादा डीपली देखें तो ये जो हमारे वाकई जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं नेस्पा के और जो टेक्निकल जो लोग रहे हैं वापडा में, ये उन्हीं के लोग हैं, और ये जो स्मैक में भी जो काम कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तानी वो भी वापडा और नेस्पा के लोग हैं बैठे हुए हैं इस वक्त। मैं जरा चीमा साहब को भी इसमें शामिल गुफ्तगू, चीमा साहब आप एमडी इसके पेप्को को आपने चलाया है, ये जरा दो चीज़ें बताएं कि जब एक चीज़ हमें बताएगी कि जी इसलिए भी शायद ये कॉन्ट्रैक्टिंग को बढ़ा दिया गया कि कॉन्टीन्यूटी थी प्रोजेक्ट्स में, जहां कॉन्टीन्यूटी हो वहां पे आप स्कोप एक्सपेंड कर देते हैं। यहां पे पहला टेंडर जो दिया गया वो डिज़ाइन का टेंडर था, टेंडर डिज़ाइन के आपने टेंडर को डिज़ाइन करके इनिशियल करके और फिर आपने उसके मुताबिक क्वालिफाई करना है, फिर उनकी वैल्यूएशन सब कुछ वो दूसरी बारी टेंडर होता, नए कंसल्टेंट्स आते, उसके दो फायदे होते कि जो पहले कंसल्टेंट्स ने अगर कोई नकायश रह गए हैं, कोई शॉर्टकमिंग्स रह गई हैं, तो जो दूसरा सेट ऑफ कंसल्टेंट आता वो उनको भी पकड़ लेता, सब कुछ होता। आपने पेप्को जैसा सेटअप हेड किया हुआ है, क्या आपको ये सारी चीज़ें नॉर्मल लगती हैं जिस तरह यहाँ कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्डिंग हुई है कि ये बड़े साइज प्रोजेक्ट्स में ऐसे ही होता है? शुक्रिया जी, इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं, मैं दोनों ही उजागर करूंगा। पहले तो मैं अर्ज़ करूंगा कि जो इसकी टेंडरिंग एजेंसी है उसकी प्रोएस या उसके एक्सपीरियंस जो है उस पर भी पहले बात करूंगा, फिर दूसरी बात जो है ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। बदकिस्मती से वापडा जो है उसने जो लास्ट मेगा प्रोजेक्ट किया यानी कि डैम किया, वो अगर याद हो तो वो तरबेला डैम था, और ये भी जहन में आपके होगा कि वो लेट 70s की बात है। इसके बाद और कोई डैम बन ना सके, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स और डैम्स दोनों मुख्तलिफ होती हैं। एक तो ये है कि वहाँ प्रोएस या एक्सपीरियंस बहुत रिड्यूस हो चुका होगा, दूसरा ये है कि इट सो हैपन्स, अजीब सी बात है कि इस वक्त वहाँ मेंबर पावर मेंबर वाटर की भी जगहें खाली हैं। इसके बाद 7 जनरल मैनेजर्स जो सीनियर इंजीनियर्स होते हैं जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं वो भी जगहें खाली हैं। इसके बाद ज्यादती ये है कि 13 आप कह रहे हैं कि मेंबर पावर और मेंबर वाटर ये दोनों वहां पे इस वक्त जगह खाली हैं, और 309 बिलियन का जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ है जिसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं, वाटर भी है
बिजली भी बननी है और इनको अवार्ड किया जा रहा है उन एसोसिएट्स के कहने पे जिनके ऊपर खुद बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं, जिस तरह स्मैक हो गया या ये एस हो गया, दूसरे हो गए, तो ये सिचुएशन आप बता रहे हैं। जी जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि जिस वक्त परमानेंट पोजीशंस पे लोग मतलब परमानेंट लोग नहीं होंगे पोजीशंस पे एंड कोई सिर्फ उसे लुक आफ्टर कर रहा है, आजकल ये नई इख्तला है कि आप ऐसे करें, यू लुक आफ्टर, आप चार्ज ले लें इन एडिशन टू योर ओन वर्क, तो उससे होता क्या है कि वो लेम डक होता है। इसके बाद ये है कि वो दूसरी तरफ यानी कि ऊपर की तरफ देखते हैं कि अब हमें बताया जाए क्या किया जाए। जैसे मैंने अर्ज़ की कि मेंबर पावर, मेंबर वाटर की जगहें खाली, इसके बाद 7 जनरल मैनेजर्स जो हैं, जो इम्पॉर्टेंट लोग होते हैं, सेकंड टीयर आप कह लीजिए, वो भी खाली, और इसके बाद 13 चीफ इंजीनियर्स की पोजीशंस भी खाली हैं। ज़ाहिर है वहाँ जूनियर्स को बिठाया जाता है लेकिन वो लुक आफ्टर के चार्ज होता है। इसके बाद ये सब लोग जो हैं शायद वो एक कोई एडवाइज़र साहब हैं जो किसी ज़माने में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सेल में थे, बहुत अच्छे होंगे, लेकिन वो क्योंकि रिटायर हो चुके हैं तो उनकी तरफ देखते हैं। तो जब हम गौर करते हैं तो हमें ये समझ आती है कि जो स्पॉन्सरिंग एजेंसी है वो टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है, उसमें बहुत सारे मसाइल हैं, एक बात होगी। अब दूसरी बात जो आपने फरमाया कि किसी को डिज़ाइन का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए और सबसिक्वेंटली उसे कहा जाए कि जो बिड्स रिसीव हुई हैं उनकी एवेलुएशन भी कर दें, तो डिज़ाइन और एवेलुएशन जो है वो दो मुख्तलिफ काम हैं, उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए होना ये चाहिए था कि उसके लिए भी टेंडरिंग की जाती या वापडा फिर खुद कर लेता और उसके लिए पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स या एक्सपर्ट्स जो है वो हायर कर लेता, लेकिन ये समझ नहीं आती। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इसमें मसाइल तो हैं और मसाइल का ज़ाहिर है हल भी होना चाहिए। जी मैं भी आपको चाहता हूँ, मुझे अच्छा दो चीज़ें, एक और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर लें। ये जो इस वक्त सिटिंग एमडी है नेस्पाक, जो ताहिर मसूद साहब हैं, वो अभी तक डायरेक्टर हैं बर्कले एसोसिएट्स के। बर्कले एसोसिएट्स का बहुत बड़ा क्लाइंट था नेस्पाक, और मैं अब एलिजली का वर्ड यूज करूँगा ताकि लाइबल ना आए, तो मैं अब नेस्पाक के लोगों से लाहौर में मिला, बातें हो रही थी, तो फिर मैं ये ट्रेन प्रोजेक्ट के लोगों से मिला, ऑरेंज ट्रेन के, तो उन्होंने कहा कि एमडी जब बने तो उसके बाद भी एलिजली उन्होंने फंड्स भी रिलीज करवाए, अपनी स्टॉक का पेमेंट्स वगैरह बर्कले की। वजीर साहब हैं तो वो उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उनकी कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। जो कंसोर्शियम में की बंदा जिसके पीछे चल के सारे चल रहे हैं नेस्पाक, और ये नेस्पाक का जो एमडी है वो जॉन सा है, वो खुद डायरेक्टर हैं और अभी तक अपने बर्कले एसोसिएट्स के, एंड बर्कले एसोसिएट्स इज स्टिल वर्किंग विद नेस्पाक एंड अदर्स। ये कहाँ रुकेगा सिलसिला, ये नया पाकिस्तान है? नए पाकिस्तान में भी शायद वही गलतियाँ होनी शुरू हो गई हैं जो कि पुराने पाकिस्तान में होती थी, और जब हुकूमत में बैठे होते हैं उस वक्त जब मीडिया इशू को फ्लैग करता है कि जनाब ये वाली चीज़ हो रही है, इस पे इशू बन रहा है, जो नए पाकिस्तान में तवक्को तो ये थी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब उस पर एक्शन लेंगे और करेक्टिव मेजर्स इमीडिएटली लेंगे। लेकिन जब आप ये एटीट्यूड अपना लेते हैं कि जनाब ठीक है मीडिया में इश्यूज आ रहे हैं, फ्लैग हो रहे हैं, किसी के कान पे जूमी नहीं रेगनी, अपना माल बनाओ और निकलो, यही काम पुराने पाकिस्तान में होता। इतने बड़े अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहे हैं तो फिर ये आज नहीं तो कल यही मुकदमात बनेंगे, और इसमें जो ज़्यादा मुश्किलात होंगी उसमें क्योंकि डिसीजन मेकिंग में दो वज़रा भी आ रहे हैं, उमर अयूब साहब और फैसल वाडा साहब, जिनका शायद बेनिफिट इसमें कोई ना हो, लेकिन इवेंचुअली आज नहीं तो कल जब ये आके मुकदमे खड़े होंगे तो इनको भी उस पर जवाब देना पड़ेगा। मसलन अभी मिफ्ता इस्माइल को देख लें, LNG पे उनको भी बुला लिया गया है, तो इसी तरह कल को इनके लिए भी ये मुश्किलात होंगी। अभी ठीक है कुछ क्विक बक्स ये लोग बना लेंगे, अब MD नेस्पाक को भी देख लें, उनका रिपोर्टिंग चैनल देख लें, और अपनी कंपनीज के अगर उन्होंने पेमेंट्स करवाई हैं, इनकी अपॉइंटमेंट, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। इनकी अपॉइंटमेंट भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये कोर्ट केस है जिसमें पुराने MD को जब हटाया तो उन्होंने चैलेंज कर दिया, तो फवाद हसन फवाद साहब एक समरी लिखते हैं मिनिस्ट्री को कि जी प्राइम मिनिस्टर ने ये देखा सब कुछ तो आप जो है ना इसको फारिग कर दें। वो बंदा खैर कोर्ट में चला गया। 31 मई आखिरी दिन था शहद खान साहब की गवर्नमेंट का, 29 मई को शाम को एक कैबिनेट मीटिंग हुई आखिरी, उस आखिरी मीटिंग में इनको ताहिर साहब को अपॉइंट कर दिया जाता है MD नेस्पाक, लेकिन बताया नहीं जाता। और उस मेरी इतला ये है कि वहाँ पे भी ब्रीफिंग ये नहीं की गई थी कि इस पर कोर्ट ऑर्डर जौन सा है वो दूसरे खिलाफ गया, वो उसको मिसइंटरप्रेट करके गया था, लेकिन उसको बताया नहीं जाता, छुपा ली जाती है उस बात को। फिर केयर टेकर गवर्नमेंट में
ये निकाली जाती है एज द लास्ट कैबिनेट मीटिंग डिसीजन, और फिर कहा जाता है कि जी ये है, तो जो नेस्पाक जैसा इदारा बड़ा ज़रूरी है तो इस बंदे को दूसरे को अपॉइंट कर दें। सो इवन देन, अगर अव्वल तो आखिरी कैबिनेट मीटिंग है, मुझे समझ नहीं आई थी कि आउट गोइंग गवर्नमेंट लोग नेस्पाक कैम भी लगाने की ज़रूरत क्या थी, और कहा जाता है कि इदारा मसूद साहब क्योंकि वो अबीब रफ़ीक के साथ रहे हैं, उनकी एसोसिएशन बहुत क्लोज थी पास गवर्नमेंट्स के साथ, तो वो और हाई कोर्ट की भी ऑब्जर्वेशन है कि पोलिटिकली मोटिवेटेड डिसमिसल था पहले का। तो क्या अब कॉन्ट्रैक्ट, इस पर बात करते हैं, मैं ब्रेक लेनी है नाजी, इस पर हम बात करेंगे कि क्या अब कॉन्ट्रैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि उन ऑर्गेनाइजेशंस को जिन्होंने उनको ओवरसी करना है, जिन्होंने उन पर नज़र रखनी है, तो उसका बेस्ट चीज़ यह है कि आप MD अपनी मर्ज़ी का लगवा लें और आइंदा के लिए फिर रोटियाँ ही रोटियाँ, पराठे ही पराठे। इस पर बात करेंगे कि इस बात में हकीकत कितनी है, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक टू द शो। मैं ज़रा अभी ये जो लेटर पैड है, ये मेरा वो टिपिकल रिपोर्टर्स नोट पैड है जिसके अंदर मैं वेरियस नोट देख रहा था। ये खालिद, ये बताएं आपकी जो स्टोरी है उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है जिसमें आपने लिखा है कि ये जो कंसोर्शियम था इस पर बड़े स्ट्रिक्ट कॉमेंट पास किए थे किसी जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने भी, वो क्या कॉमेंट्स थे? क्योंकि हमें बताया जा रहा है कि जी ये अखाँ बंद कर लो, सुकून ले लो, यू आर इन वेरी सेफ हैंड्स, ये ज़बरदस्त कंसल्टेंट्स हैं, दे नो द जॉब, पढ़ा इन्होंने परफेक्ट, इसको एवेल्यूएट किया है, तो आपको मसला क्या है? वो जो डिज़ाइन में इन्होंने जो फ्लड कैलकुलेशंस की थी प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड के हवाले से, तो उसकी वजह से जो कास्ट में इंक्रीज आ रहा था डिटेल इंजीनियरिंग में, वो तकरीबन 160 मिलियन का आ रहा था। तो जॉइंट सेक्रेटरी ने जो CDW की मीटिंग है उसके मिनट्स में ये उनकी बात जाहिर होती है, वो ये कहते हैं कि जो कास्ट बड़ी है वो कंसल्टेंट के जुम्मे डाला जाए और इस लिहाज से किसी ज़ीरो टॉलरेंस जो ऑफर की जाए, कोई यानी कि इनको रिलैक्स ना किया जाए, और साथ फिर जो DGE&M थे जो प्लानिंग कमीशन के थे उन्होंने भी ये कहा, और उन्होंने कहा कि इनको पेनल्टी डाली जाए और ये जो है इनको रिवार्ड किया जा रहा है 160 मिलियन को, जो आप रिवाइज्ड PC1 इसका कर रहे हैं, तो एक्चुअली आप रिवार्ड कर रहे हैं कंसल्टेंट्स को, ये रिवार्ड नहीं करना चाहिए बेसिकली इनको, तो ये बात इसमें शामिल है। और मालिक साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि शुरू में इनको 24 माह का वक्त मिला था कि आपने डिटेल इंजीनियरिंग जो है ना डिज़ाइन मुकम्मल करनी है, उसके लिए जो पैसे इन्होंने किए थे वो 612 मिलियन के थे, लेकिन वो स्टिपुलेटेड टाइम में वापडा नहीं करवा सका इनसे, तो फिर रिवाइज़ किया गया और 937 मिलियन उसकी कास्ट कर दी गई, और फिर भी ना रिवाइज़ किया गया, तो फिर उन्होंने जो फ्लड्स के हवाले से जो मिस कैलकुलेशन वगैरह की, तो उसके हवाले से इसकी जो प्राइस थी ज़्यादा बढ़ा दी गई और वो तकरीबन 1 बिलियन से ऊपर हो गई, तो ये नवाजते भी गए उनको बजाय इनके इसके कि उसको पिनलाइज करते। उसका एक रीज़न है, अभी जब बात करेंगे, अभी इसहाक हाकवानी साहब ने मैं ज्वाइन किया, उनका फ़ोन आया था, कहते हैं मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, PTI के मेन लीडर हैं, लेकिन मैं उससे पहले इसराइल नेटवर्क की आपको एक बात बता दूँ, ये समझ आता है नवाजने का सीन क्यों है। हम जब इनके तीन, क्योंकि हम इस कंसोर्शियम के हम इसी में बात कर लेते हैं, स्मैक पाकिस्तान ले लें, आप ये बर्कले एसोसिएट्स ले लें, आप एस ले लें, ये जो कंसल्टेंट्स हैं इनमें बहुत बड़ी तादाद जो सी है वो अरशद एक्स नेस्पाक वालों की है। ए जो इस वक्त एस के जो से CEO हैं, एस के डायरेक्टर तो सिटिंग MD नेस्पाक है ना, वो तो हैं, उनकी फैमिली के शेयर्स हैं सारे, वो सब कुछ है, लेकिन जो CEO हैं जहांगीर अख्तर साहब, ये एक्स वाइस प्रेसिडेंट नेस्पाक हैं। अच्छा, इसी तरह जब आप एस के अंदर जाते हैं तो एस के अंदर भी जो से बल्क लोगों की है वो अ लॉट ऑफ पीपल आर फ्रॉम नेस्पाक। अब कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने वाला कोई आपका एक्स कोलीग है या एक्स बॉस है, एक्स जूनियर है, इवेल्यूएट करने वाले आप, सो वो बिल्कुल ही इट्स एन इंसेस्टुअस रिलेशनशिप। और इस इंसेस्टुअस रिलेशनशिप की कॉस्ट अभी खालिद मुस्तफ़ा ने बताई है, जो ओरिजिनल PC1 था गालिबन 600 मिलियन का था और जो थर्ड PC1 गया वो 1 बिलियन से ऊपर, यानी कि तकरीबन 400 मिलियन। कि अगर ये वाले इस तरह के रिलेशनशिप हैं कि कॉन्ट्रैक्टर आप बैठे हैं जिससे कि आपने ये पेनल्टी रिकवर करनी थी, ऐसा ही था जो नोटिंग थी उसमें जो खालिद मुस्तफ़ा ने बताया, उन्होंने अपनी स्टोरी में मेंशन किया, जो आपने ये अभी नेटवर्क बताया है, जो सिस्टम बताया है, इस पे अगर GIT बैठेगी तो ये 400 मिलियन जो पाकिस्तानियों का था वो किसको नवाजा जा रहा है? ये
वन पार्ट है जो इवेंचुअल जाके इस पे फायदा होगा। आपने कहा कि जी कॉस्ट इससे ज्यादा बढ़ जाएगी, वो अभी तक के जो एस्टिमेट्स हैं कम से कम 25 से 30 बिलियन जो है डेस्कॉन को इस पे फायदा जाएगा, जो कि रजाक दाऊद साहब जिसके बेनिफिशियल ओनर है, उनकी फैमिली जिसकी बेनिफिशियल ओनर है, और ये इवेंचुअली इतना प्रॉफिट जो है 20 से 30 बिलियन रजाक दाऊद साहब के खानदान को दिया जा रहा है। सही है, बिल्कुल ऐसे। और अभी तो जो अभी तो एस के एक दो स्टाफर्स जो से हैं, एक प्रोक्योरमेंट मैनेजर है, कोई और है, वो नैब के पास हैं, वो साफ पानी केस के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो भी उनको निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि अब ये हुकूमत है और ये अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि आजकल आड़ भी बड़ी ली जाती है ना, क्योंकि चलो खाकवानी साहब से पहले बात कर लें। जी खाकवानी साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम मालिक साहब, खैरियत है जी? बिल्कुल ठीक ठाक जी। आप इस सब्जेक्ट पे कोई बात करना चाह रहे थे? जी जी, मैं थोड़ी सी एक मैं अपनी इनपुट देना चाहता हूँ। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हूँ, जीवा साहब का मैं थोड़ा सा सीनियर भी हूँ, इकट्ठे हमने काम भी किया है बिशारत के साथ, और मैंने टेंडर सिस्टम भी किया है रेलवे में बड़े बड़े टेंडर्स में। तो मेरी इनपुट ये है कि जब आप प्री क्वालिफाइड फर्मों में आपस में कंपटीशन कराते हैं, तो आपने उसमें से जो नाअहल लोग हैं उनको आपने पहले ही निकाल देते हैं। तो लिहाजा वापडा के रूल्स में है, इनके डायरेक्टरेट ऑफ प्रोक्योरमेंट से पूछ लें कि जब ये फिर प्री क्वालिफिकेशन के बाद टेंडर मांगते हैं, तो फिर ये दो सेपरेट लिफाफे नहीं मांगते कि एक में टेक्निकल हो और एक में फाइनेंशियल बिड हो। नंबर वन तो ये है कि इन दोनों को इकट्ठा होना चाहिए था, क्योंकि आपने पहले प्री क्वालिफाई करके बाकी लोगों को तो इलिमिनेट कर दिया, अब तो सिर्फ क्वालिफाइड पीपल कंटेस्ट कर रहे हैं। 6 बंदे थे मेरे ख्याल में जिन्होंने टेंडर लिया, उसमें से 2 बंदों ने सिर्फ बिड दी, एक तो ये है। फिर दूसरी बिशारत साहब ने बात की है जो मैं भी कहना चाहता हूँ, दोहराना चाहता हूँ कि जो वापडा की इस वक्त अथॉरिटी है उसकी एक कन्फिग्रेशन है, तो उसमें एक चेयरमैन होगा, एक मेंबर पावर होगा, एक मेंबर फाइनेंस होगा, एक मेंबर वाटर होगा। आपने ये सही कहा चीमा साहब ने कि इस वक्त ये 2 हजरात एक्टिंग चार्ज बेसिस पे जूनियर लोग काम कर रहे हैं, या परमानेंट लोग है ही नहीं जो कि इवेल्युएशन सही करते, एक तो ये है। अब बात ये हो गई, ये सारी चीजें होने के बावजूद अब इसका हल क्या है? हल मेरे ख्याल में हुकूमत को चाहिए इस चीज को आया करने के लिए, ये दूसरी बिड की फाइनेंशियल जो है ना लिफाफा, वो भी खोलें और बताएं कि दोनों के अंदर फर्क क्या है प्राइस में। और दूसरा, जिस उनको अगर किसी टेक्निकल बुनियाद पे फारिग किया गया है, तो वो टेक्निकल बुनियाद पे तो अफसरों का काम ही यही होता है, जब वो सब किसी की इमदाद करना चाहते हैं तो उसके कई हुक्म निकाल लेते हैं, उसके अंदर देखा जाए कि प्राइस डिफरेंशियल क्या है, और देखा जाए कि दोनों के अंदर क्या चीज है जिसके अंदर उसको दूसरे को बिल्कुल। तो खाकवानी साहब, ये तो आप ही का नया पाकिस्तान है, आप बताएं ना गवर्नमेंट को। सर बात सुने, आपने एक पब्लिक फोरम पे डिबेट खोली है, मेरे पास जो समझ और अकल के मुताबिक सही बात कर ली, तो वो अब आप अच्छा आपको खाकवानी साहब एक लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको भी एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आता है कि जो रजाक दाऊद साहब हैं मिनिस्टर भी हैं? भाई बातों सुनना यार, बातों सुनना, एक तो एक मेहरबानी करके जो टेक्निकल चीज है ना और जो असूरी चीज है उसको सियासत से मुंसलिक ना करें। मेरे पास जो समझ थी मैंने वो अर्ज कर दी। अच्छा अब आप सवाल करें, मैं बताता हूँ दूसरी। आपके ख्याल में क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि एक सिटिंग मिनिस्टर रैंक का बंदा उनकी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो और वो जहमत भी ना करे आगे बताने की? और मैंने पता नहीं आपने सुना कि नहीं, मैंने अभी प्रोग्राम के शुरू में ही बताया कि उन्होंने कहा कि जी मैंने तो चेयरमैनशिप छोड़ दी डेस्कॉन की, लेकिन डेस्कॉन का जो मेजोरिटी शेयर होल्डिंग जिस कंपनी के पास है उसकी मेजोरिटी शेयर होल्डिंग रजाक दाऊद साहब के पास आज भी है। जी जी वो गलत है, शेयर होल्डिंग भी है उनके, अपने बेटे को ट्रांसफर की, ये तो अब आम आदमी को ना समझ आदमी को भी समझ है कि दे आर फैमिली फर्म है, एक ही फैमिली की है, चाहे आप अपने बच्चों के नाम पे रख लें या बीवी के नाम पे रख लें, तो ये अपना बाकी लोगों ने भी यही काम किया हुआ था ना, ये अपने बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टीज रखी हुई थी उनके नाम पे लग गई तो फिर उनका नुकसान हो गया। ये एक सेटल्ड इशू है कि इफ दिस इज इन द नेम ऑफ द फैमिली मेंबर, और वो भी आपके बेटा और खून के रिश्ते वाले लोग, और फिर आपके उसमें शेयर्स की भी, आप जैसे भाई साहब कह रहे थे शेयर्स के अंदर भी आपकी मोनोपोली हो,
तो फिर ये नहीं कहा जा सकता कि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इससे ज्यादा अयान कहीं भी नहीं हो सकता। चीमा साहब, आपने खकवानी साहब की बात भी सुनी, पहले भी बात कर रहे थे, खालिद पॉइंटेड आउट किस तरह एक जे एस साहब ने, जॉइंट सेक्रेटरी ने अपनी ऑब्जर्वेशन भी दी। मेरा क्वेश्चन ये था, क्योंकि जब मैं आप जैसे टेक्निकल लोगों से बात कर रहा था, खासतौर पर नेस्पाक पे बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि जी सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि दो स्टेजेस में काम होता है। एक तो ये होता है कि पहले आपने किया, आपने डिज़ाइन बना दिया टेंडर का, चले इस कंसोर्शियम ने बना दिया, नेक्स्ट स्टेप में जो प्रोसेसिंग होनी थी और इवेल्यूएशन होनी थी, डिज़ाइन भी रिव्यू हो सकता है और कॉस्ट सुपर कंस्ट्रक्शन सुपरविजन भी होनी थी, वो भी आप इसी कंसोर्शियम के पास आ गई है। तो उन्होंने कहा कि खतरा ये है कि अब जितने डिज़ाइन के फ्लॉज होंगे या रिव्यूज होंगे, वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो पेश किया करेगा कि देखें जी यहाँ पे ये नुस्खा, इसको ठीक करना पड़ेगा, यहाँ पे ये नुस्खा, इसको हमें वो करना पड़ेगा, अमेंड करना पड़ेगा। और क्योंकि वही कंसोर्शियम जिसने डिज़ाइन किया है वही सुपरवाइज कर रहा है, वो बिल्कुल उसके साथ खेलेगा, क्योंकि या वो उसको गलत कहे तो खुद गलत साबित होता है। तो ये मिलजुल के पुरानी गलतियाँ कवर होंगी और उसकी जो खुमियाजा है और फाइनेंशियल कॉस्ट है वो हमें भुगतनी पड़ेगी, विच विल रन इनटू मल्टीपल ऑफ बिलियंस। जी, मैंने अर्ज़ की कि जो सही तरीका है वो ये है कि जो डिज़ाइन इंजीनियर है या जिसने डिज़ाइन तैयार किया कंसल्टेंट ने, वो अपना काम करके रुक जाता है। अगर उसमें जो एम्प्लॉयर है, यानी कि इन दिस केस वापडा है, वो चाहे कि उसको फिर से चेक कराना है या वैलिडेट कराना है, करा सकता है, लेकिन अगर चाहे कि नहीं कराना तो ना कराए। इसके बाद एक जो है स्पॉन्सर्स इंजीनियर होता है, वो अलहदा होता है, उसका डिज़ाइन इंजीनियर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उसने एवेल्यूएशन भी करनी है और सब्सिक्वेंटली जिसे कहते हैं कि वो ओवरसी भी कर सकता है कि काम सही हो रहा है या नहीं। ये नहीं होता कि एक ही आदमी जो है, एक ही कंसल्टेंट या एक ही एंटिटी जो है वो चलती रहे। लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि जो एक्चुअल स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने ये प्रोजेक्ट कराना है, उनके पास क्योंकि टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की कमी है, इसलिए बीच में मसले पड़ जाते हैं। ये बहुत एक सीरियस इशू है। इसके अलावा जो खाकवानी साहब ने बात की, वो शायद उसे इतनी इम्पोर्टेंस ना दी गई। उन्होंने ये कहा कि तरीक़ाकार ये था कि पहले प्री क्वालिफिकेशन के लिए जिसे कहते हैं प्रपोजल्स मांगी गई और उसमें 6 एंटिटीज़ या बिडर्स कह लें कि वो प्री क्वालिफाई हो गए। इसका मतलब ये होता है कि वो टेक्निकली साउंड हैं, उनके टेक्निकल कोई इश्यूज़ नहीं हैं और इसके अलावा उनकी फाइनेंशियल वर्थ वगैरह भी पूरी है। उनमें से दो जो थे उन्होंने सिर्फ बिड किया। ये बड़ी हैरानी की बात है कि 6 एंटिटीज़ जो हैं वो कोशिश करती हैं, मेहनत करती हैं, वक्त अपना ज़ाया करती हैं, ज़ाहिर है पैसे भी लगते हैं, वो अपने आप को प्री क्वालिफाई करते हैं और फिर कुछ हो जाता है कि सिर्फ दो ही बिड करते हैं। इस पर भी गौर करने वाली बात होगी। और जब दो बिड करते हैं तो फिर इसके बाद जो है वो 2 एनवलप मांगा जाता है और फिर टेक्निकली या टेक्निकल किसी ग्राउंड पे जो है फारिग किया जाता है। तो ये कुछ अच्छा नहीं लगता, इसलिए इस पर गौर करना होगा। और फिर एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, देखना होगा कि हमारा PC1 जो है उसका अमाउंट क्या था और इसके बाद बिड जो आई 306 अरब की, क्या उसके साथ कंपैटिबल है, क्या माइनस क्यूल मामूली सा फ़र्क है फिर तो ठीक है, अगर ज़्यादा फ़र्क है तो उस पर भी गौर करना पड़ेगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो लगता है ऐसे है कि शायद तेज़ी में या आप कह लीजिए कि तजुर्बा कम होने की वजह से ओवरलुक हो गई हैं, तो इन सब पे गौर होना चाहिए। तो रिजनल PC1 का फिगर याद है आपको, क्या था फिगर्स का? इसका 1.2 था, ये तो तीन गुना उससे बढ़ गया है एक्चुअली। जैसे जैसे फॉर्म्स एलिमिनेट होती गई वैसे वैसे बिड बढ़ती गई प्रोबेबली। यस, लेकिन ये है मालिक साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में जो होते हैं वो इंटरनेशनल कम्पिटिटिव बिडिंग होनी चाहिए। वो जो 1-stage 2-envelope बिड मैकानिज़म अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए। अगर ICB होता, और हमारा पेपरा रूल्स भी यही कहते हैं कि ICB होना चाहिए, इंटरनेशनल इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिड्स, उसमें हमने ऐड दिया, हमने बुलाई तो ICB तो हो गया ना। लेकिन ये इन्होंने सिंगल स्टेज 2-envelope वाला किया था ना। अब इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, अब हमने भाषा डैम भी बनाना है तो उसके लिए जो हमने कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह रखने हैं, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट $14 बिलियन का, हम ये नहीं कह सकते कि हम उसको, क्योंकि सिंगल बेड 2-envelope जो मैकेनिज्म है इसे आप मैनिपुलेशन बहुत कर सकते हैं।
मैनिपुलेशन की पॉसिबिलिटीज़ आप सुन रहे हो सारी बातें, जो टेक्निकल एक्सपर्ट है चीमा साहब वो भी बात कर रहे थे, हमने इनका भी स्ट्रक्चर देखा एसोसिएट्स का, बल्कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इनका केस पॉइंट आउट किया था साफ पानी के केस में, इन्हीं ग्रुप ने 4 कंसोर्शियम बनाए हुए थे, वो ए आगे करके कहीं बी आगे कहीं सी आगे, यहाँ भी पहले एक कंसोर्शियम को ये अपना लीड कर रहे थे नेस्पाक वाले, अब सेकेंड टाइम में स्मैक लीड कर रहे थे, तो कभी आप आगे हो जाते हैं कि मैं आगे हो जाता हूँ, मिलजुल के सारा काम हो रहा है। कंसोर्शियम्स को देखते हैं तो कंसल्टेंट्स को उसके अंदर हमें एक नेटवर्क दूसरा नज़र आता है, जब हम जिनको अवार्ड होता है उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स हैं वो जहमत नहीं करते क्लैरिफाई करने की। अभी जो टेक्निकली बातें पॉइंट आउट हुई हैं सबके बाद, डू यू थिंक कि ये रिव्यू होना चाहिए प्रोजेक्ट, अब हमें फिर भी बुला के जज साहब कह देंगे अगर आपने इसके खिलाफ बात की तो आप कॉन्ट्रैक्ट खिलाफ बात की, तो आप डैम के खिलाफ जज साहब का एक पैशन है चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब को, जस्टिस एजाज़ुल अहसन साहब ने उस दिन कहा है ना एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना हो जाए, उन्होंने एक ठीक बात पे रगड़ा दिया था एक एंकर को कि आपकी इन्फॉर्मेशन गलत थी, लेकिन उनका एक साथ एक सेंटेंस भी था कि इस कॉन्ट्रैक्ट के जो रिपोर्ट हुआ कि इस कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ अगर आप बात कर रहे हैं तो शायद आप डैम के खिलाफ बात करें, हम डैम के खिलाफ बात नहीं कर रहे, हम चाह रहे हैं कि जो चीज़ हो 100% ट्रांसपेरेंट हो। बिल्कुल, और इसका कवर भी इस वक्त अथॉरिटीज़ यही ले रही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का एक पैशन और डैम्स की वाकई ज़रूरत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस एक्सपीडियंसी के पीछे आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को इग्नोर कर दें कि एक खानदान जो इस वक्त हुकूमत में जो पॉलिसीज भी बना रहा है वही फ़ायदा वहाँ पर ले रहा है, फिर आप ब्लैक लिस्टेड कंपनीज जो हैं उनको आके इस कॉन्ट्रैक्ट में आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको आप इग्नोर करते जा रहे हैं, फिर वापडा एज एन अथॉरिटी जो आपके पैनलिस्ट परेशान हो गए वापडा एज एन अथॉरिटी क्या लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड है विदाउट टू मेंबर्स, इज इट अ लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड फुल्ली फंक्शनिंग बॉडी, वाटर और पावर के दो मेंबर्स हैं जो कि नहीं है, जिन दोनों का इसमें बराह रास्त ताल्लुक है वो यहां पे नहीं है, फिर उन कंसल्टेंसी फर्म जिनका ओरिजिनल PC1 611 का था और उसके बाद एक अरब से ज्यादा का चला गया और उसमें उनका फॉल्ट आइडेंटिफाई हुआ गालिबन प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड, उसकी उन्होंने कैलकुलेशंस गलत की थी, अगर वहां पे कैलकुलेशंस गलत की थी और वही कंपनीज आगे आके आ रही हैं तो उसमें क्या जब फाइनल पर्दा डालेंगे अपने नुकायस आगे, तो इसमें तो कहानी वही है सारी सिस्टम वाली, अन्ना अंधा बांट रहा है रेवड़ियां और मुड़ मुड़ के अपनों को, वो पूरा सिस्टम जो है वो आपको यहां पर नजर आ रहा है। अब इसमें ऑप्शंस बड़ी लिमिटेड हो जाएंगी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए, असद उमर साहब के लिए, फैसल वाडा और उमर अयूब के लिए, या तो वो हमजा शहबाज की तरह जाके मुकदमा भुगतेंगे कि जनाब ये जो सड़क आपने बनाई थी और ये वाले सारे आपने काम किए थे अपनी शुगर मिल्स के लिए किए थे, कल को ये सारे भी खुदा न खास्ता फिर ये भुगतेंगे कि अपने एक दोस्त को जो कि नॉन इलेक्टेड है आप पहले लेके आए, उसकी कंपनीज को आपने फायदा दिया और ये इससे बड़ा केस इनके खिलाफ मेरे ख्याल जो 300 अरब का ये केस जा रहा है इसमें रजाक दाऊद या तो वो 300 अरब का अपना ठेका बचाएं या उनके पास सिंपल ऑप्शन है कि रिजाइन करें और फिर जितना भी कोई 20-25 अरब का एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट वो लेके घर जाए। नहीं, लेकिन अगर वो रिजाइन भी करे वो तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इशू है, उसके बाद भी ये तो सारी ये वाली सारी चीजें तो भी एड्रेस होनी चाहिए, ये भी एड्रेस। अब मुझे तो ये खतरा पड़ रहा है कि ये एक क्या कहते हैं उसको एक टेक्निकल परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए इन कंसल्टेंसीज का, कि जो सिंपली नेस्पाक वाले रिटायर होकर खुद बना रहे हैं, अवार्ड देने वाले भी वही, लेने वाले भी वही, सुपरवाइज करने भी वही, इनकी कंसल्टेंट्स की एफिशिएंसी कौन ऑडिट कर रहा है हमें बता दिया। जब हमने जब स्मैक में देखा है तो पता लगा कि जी बांग्लादेश एएस इंटरनेशनल बांग्लादेश एएस इंटरनेशनल श्रीलंका ये सस्पेंड हुए हैं। स्मैक का देखते हैं बड़ी ज़बरदस्त कंपनी थी सिंगापुर वालों ने ले ली, उसके बाद उस पर वर्ल्ड बैंक ने सस्पेंशन की हुई है। जब यहाँ पर हम देखते हैं तो MD खुद बैठे हुए हैं और उन्होंने अपनी कंसल्टेंसी चला रहे हैं, वी डोंट इवन नो। जब वेबडा की कैपेसिटी सुनते हैं कैपेसिटी नहीं है। सो हमारा 309 अरब का एक प्रोजेक्ट जा रहा है, हमें किस ट्रक की एंड पीपल हु आर प्लानिंग इट उन पे सवाल है, जो उनको असेस कर रहे हैं उन पे सवाल है, उन पे सवाल है। और जो ये खालिद मुस्वानी ने बताया प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड कैपेसिटी उन्होंने गलत कैलकुलेट की और उसकी पेनल्टी कहा था कि इनसे रिकवर करें जो कॉस्ट एस्केलेशन है, अगर वहाँ पे ये बेसिक फ्लॉस कर रहे हैं टेक्निकल गलतियाँ कर रहे हैं तो आगे जाके ये कितनी गलतियाँ करेंगे और ये सारा आप इतना बड़ा ठेका उनको दे रहे हैं, ये एक वैलिड क्वेश्चन। और फिर अगर आपके ठेकेदार भी आगे जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स आएंगे कंस्ट्रक्शन के वो भी जब आपके फॉर्मर बॉसेस होंगे तो फिर तो एक ग्रेवी ट्रेन चलेगी, वो डिमांड रेस किया करेंगे, जो कंसल्टेंट है वो उसको ओके किया करेगा और पैसे आपके मेरे। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद आगे। चीमा साहब आपसे ही पूछना है वॉर फुटिंग पे क्या इलाज है इसका, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। चीमा साहब, वेरी क्विकली आपके ख्याल में लास्ट तीन चार मिनट ही हैं, हम सबसे एक ओपिनियन लेनी है, क्या अब होना चाहिए इस प्रोजेक्ट में? हम ये भी नहीं चाहते कि डैम डिले हो, लेकिन वी डोंट वांट द डैम टू बी डैम्ड आल्सो, तो बताएं क्या हल क्या है? यानी बहुत सही आपने बात की। इस सिलसिले में मैं अर्ज करूंगा कि दो बड़ी ओमिशंस जो हैं वो हमारे जहन में हैं, उसे सामने रख के फिर मैं आगे इसका हल अर्ज करता हूँ। एक तो ये है कि बड़ी अजीब सी बात है कि छः कंपनीज जो हैं वर्ल्ड क्लास ऑफ कोर्स, वो प्री क्वालिफाई होती हैं, लेकिन सिर्फ दो उनमें से जो हैं अपनी बिड डालते हैं। तो इसमें कुछ रिपोर्टेडली, मैं उस पर श्योर नहीं हूँ, लेकिन रिपोर्टेडली ये बताया गया कि बहुत सारी कंडीशन सख्त थी जिन पर उन चार को इतराज़ था, लेकिन वो शर्तें जो हैं वो ख़त्म की गई सिर्फ एक महीना पहले जब बिड डालनी थी, तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि बिड तैयार की जाए। एक ये बात। अच्छा, दूसरी बात बड़ी परेशान कुन जी परेशान कुन ये बताएं, इस तरह की बिड आमतौर पे, इस तरह की एक बिड तैयार करने के पे एक कंपनी का कितना खर्चा हो जाता होगा इस लेवल की बिड तैयार करने पे? देखें जी, जो बातें दो बातें हैं इसमें, एक खर्चा और एक वक्त, और वक्त भी आपको पता है कि बहुत बड़ा खर्चा होता है। इस किस्म की बिड जो है जी, वो मिनिमम तीन महीने से पहले तैयार नहीं हो सकती, और इसमें मिलियंस ऑफ रुपीज़ तो होते ही होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मिलियन डॉलर्स भी लग जाते हैं इसे तैयार करने के लिए। तो जैसे मैंने पहले कहा कि छः प्री क्वालिफाई हुई और दो ने सिर्फ बिड डाली। इसके बाद जो इनमें से जिसे नॉन रिस्पॉन्सिव डिक्लेयर किया गया PPRA रूल्स के तहत, जो है वो वबडा की वेबसाइट पर उसके रीजन्स, यानी कि वो जो एवेल्युएशन रिपोर्ट है उसे आ जाना चाहिए था, और उसकी नॉन रिस्पॉन्सिवनेस का पूरे जहां को पता लग जाना चाहिए था कि क्या है। मेरी इतला के मुताबिक वो किसी भी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। तो बहरहाल अगर इसे सामने रखा जाए तो जहन में यही आता है कि टेंडर को स्क्रैप किया जाए और इसके बाद एक नया टेंडर किया जाए, रीटेंडर यानी कि। लेकिन जैसे आपने कहा, ये नहीं हो सकता कि अब यही सिलसिला चलता रहे और कहीं रुके ही ना और मज़ीद डिले हो जाए। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इसका आसान हल इस वक्त ये है कि इसे री एवेलुएट किया जाए दोनों बिड्स को, और इंडिपेंडेंट जो हैं एक्सपर्ट्स को बिठा के री एवेलुएट किया जाए, और इसके बाद जो फैसला हो उसे लेके आगे चले। जी जी खालिद, मेरे ख्याल में जो बिड्स की इवेलुएशन हुई है ये शुड बी स्टूड अनल्ड, और ये दोबारा होना चाहिए सर, क्योंकि इसमें सारा लगता है कि ये कंडीशन एक माह के बाद चेंज की गई है एलिजिटली, जिसके ऊपर से चार लोग शायद भागे। इट्स अ स्ट्रॉटलिंग डिस्क्लोजर सर, और मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा है तो फिर तो सारा जो है ना प्रोसेस स्क्रैप डाउन कर देना चाहिए और दोबारा से शुरू करना चाहिए, और अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये काम होना चाहिए, जो कि जिन्होंने ओनरशिप ली हुई है वही जो है पूरे टेंडर्स की, और टेंडर से लेकर बेड्स इवेल्युएशन और जो बेड विन करता है उस मरहले तक ये खुद जो है ना इसकी मॉनिटरिंग करें। देखिए, अगर मुल्क के साबिक सदर और एक सिटिंग वज़ीर आला के ख़िलाफ़ फेक अकाउंट्स पे GIT बन सकती है, मुल्क के एक साबिक वज़ीर आज़म जब वो ऑफिस में होते हैं उनके ऊपर GIT बन सकती है, तो रज़ाक दाऊद के ऊपर भी एक GIT बननी चाहिए, और उसकी TORs में ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करवा दो यार, एक लाजमी होनी चाहिए। या तो फिर आप कहें ना कि जी दो, एक नहीं दो पाकिस्तान है बिल्कुल, और रज़ाक दाऊद के लिए अलग पाकिस्तान है, आसिफ जरदारी, मुराद अली शाह और नवाज शरीफ के लिए अलग पाकिस्तान, इन पर GIT बनाएं और देखेंगे मुशर्रफ दौर में इनको कितने ठेके दिए गए जब ये हुकूमत में थे, और अब और इनकी जितनी कंपनीज है उनका राइस क्या उस वक्त होता रहा जब भी ये हुकूमत में बैठे रहे और वो फायदे होते रहे, और ये सारी GIT उसमें निकाल के चीजें ले आएगी, क्या उसमें मसला क्या है? फैक्ट्स आ जाएंगे सामने, आगे देखा जाएगा, फिर नैब में इमरान खान साहब ने जाने, असद उमर ने जाने, फैसल वाडा ने जाने, उमर अयूब ने जाने, या सिर्फ रज़ाक दाऊद और उनके खानदान ने जाने। चले, पॉइंट्स वेल मेड, तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो बिशाद चीमा साहब ने बड़ा स्टार्टलिंग एक बात बताई कि जी उनकी इतला यह है कि शायद एक माह पहले कंडीशंस बदल दी गई, जो बहुत बहुत बड़ी बात है, बिकॉज ये तो बेसिक लेवल प्लेइंग फील्ड को हिलाने वाली बात है। दूसरा, कभी इस मुल्क में काम किया जाता है नेशनल इंटरेस्ट के अंदर कहा के और उस पर जल्दी की जाती है, इस पर ही लग ये रहा है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज साहबान ने इसको एक प्रोजेक्ट को ओन अप किया हुआ था कि हमने डैम्स बनाने हैं, तो उसके ख्याल में उनका ख्याल था कि एक एक टेफ्लॉन कोटिंग आ गई है, जो मर्जियाँ करें और वो उसको कवर मिल जाएगा, और कोर्ट्स के कमेंट्स में लग भी रहा है कि जजेस चाहते हैं कि कोई चीज़ को डिस्टर्ब ना करें, हम भी नहीं चाहते। लेकिन तीन चार सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो नज़र आते हैं।
एक तो अरशद हैज गॉन टू द एक्सट्रीम सेइंग कि जीआईटी बने, नॉट एक्सट्रीम, अगर मुल्क के साबिक सदर पे बन सकती है, ठीक है, मैं आ रहा हूं, पायल में आ रहे हैं, साबिक वजीर आजम पे आ सकती है, मैं मानता हूं, मेरी बात, ये कोई आसमान से उतरे हुए ज्यादा लाड ले, अगली बात भी सुन ले, तो जीआईटी तो खैर अगर बनती है नथिंग लाइक इट, बिकॉज इसमें एवेल्युएट होना बहुत जरूरी है चीजों का, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज है कि नेक्सस अब तोड़ना होगा। अगर जीआईटी बनती है तो उसको तीन चीजें जरूर देखनी चाहिए। एक तो जैसे सो कॉल्ड हमारा कंसल्टेंसी माफिया है, इसका चेकअप करना बहुत जरूरी है कि कौन लोग इसको चला रहे हैं, कौन से कंसल्टेंसीज ने इन्हीं पेरेंट कंपनीज ने नेस्पाक वगैरह से कितना कितना काम किया है, और कितना कौन आज क्लाइंट होते हैं, कल को बॉसेस बन जाते हैं, फिर आपस में सब कॉन्ट्रैक्टर्स बन जाते हैं। ये वो टेक्निकल चीज़ें जो आपकी मेरी आंखों के सामने नहीं आते, हमें नजर आती है पुलिस वाले की करप्शन, MPA की, MNA की, ये है मल्टी बिलियन रुपी करप्शन, और यहाँ पर है ब्यूरोक्रेसी, ये है वो करप्ट ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा जो फाइल वर्क के पीछे और टेक्निकलिटी के पीछे छुपा हुआ है। ये नेटवर्क बड़ा क्लियर होना चाहिए, नेस्पाक की एक फुल इंक्वायरी होनी चाहिए, कौन सा MD लगा हुआ है, इस वक्त कैसे लगा है, उनके क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं, वो एक कंपनी के डायरेक्टर्स भी हैं, वही कंपनी साथ धंधा भी कर रही है, इसके अलावा तमाम ये जो कंसल्टेंसीज हैं इनका कोई फोरेंसिक ऑडिट हो, परफॉर्मेंस ऑडिट हो, क्योंकि इस मुल्क में आगे सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, अरबों रुपए के, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट लगने हैं, और आपको यही कंपनीज का नाम हम पंजाब के वो साफ पानी पे भी देख रहे हैं, इसी कंपनी का नाम, इन कंपनीज का नाम हम वेरियस हम प्रोजेक्ट्स की हमने लिस्ट निकाली है, लगता है पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा प्रोजेक्ट यही 8-10 कंपनीज कर रही हैं, लेकिन कोई इनको नहीं जानता। जब पता लगता है तो पता लगता है कोई सस्पेंड हुई हुई थी, पता लगता है कोई XMD है, कोई फॉर्मर MD है, कोई फलाने ठेकेदार का GM है, कोई फलाने ठेकेदार का रिश्तेदार है, इट्स अ वेरी वेरी बिग माफिया। और ये डैम प्रोजेक्ट ने ये बता दिया है कि हमें इस माफिया का पूरा एनालिसिस करना होगा, एक्सपोजर करना होगा। और इसी पे लास्ट चीज एक कॉमेंट में सिर्फ देना चाहता हूँ, अभी प्राइम मिनिस्टर के कहने पर खबरों में चला के जी दो जो से हेड्स निकाल दिए, सुई सदन के MD और सुई नॉर्दर्न के, विच इज़ वेरी फनी, क्योंकि ये दोनों कैरियर्स थे, जो डिसीजन हुई है गैस किसने लेनी है, कितनी लेनी है, कहाँ से लेनी है, ऑर्डर कैंसिल हुआ, ये एनर्जी और पेट्रोलियम के सेक्रेटरीज के लेवल की डिसीजंस हैं। सो जो लोग वहाँ भी मुझे लग रहा है कि स्केपगोट्स ढूंढे गए हैं, रेडली अवेलेबल, सबको सुई गैस का नजर आता है, उड़ा दो सुई गैस का MD, सुई सदन का, सुई नॉर्दर्न का, हालांकि हेड शुड रोल इन द मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, हेड शुड रोल इन द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। एक और इंक्वायरी होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को हमारी रिक्वेस्ट है, जिसमें यहां पे एसरटेन करें कि डिसीजन मेकिंग पॉलिसी डिसीजंस इन मिनिस्ट्रीज में हुई हैं, ये पॉलिसी डिसीजंस सुई सदन या सुई नॉर्दर्न में नहीं हुई। हमें ये स्केपगोट्स का सिलसिला बंद होना पड़ेगा, वरना हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस इसी तरह लुटते रहेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।